मित्रों उम्र में भले ही कोई छोटा हो लेकिन वास्तव में तो वही बड़ा है जिसके हृदय में प्रेम की रसधार हो, स्नेह और सम्मान की भावना हो। जय श्री कृष्ण। मित्रों फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों वी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम वी नाम वाले लोगों के सितंबर के महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले वी नाम वाले लोगों के लिए हम धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो वी नाम वाले लोगों के लिए धन के मामले में जो सितंबर का महीना होगा वो आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। धन के मामले में परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे और धन के मामले में कोई कार्य आपके रुकने वाले नहीं हैं और आपकी आय जो है नियमित स्रोतों से होती रहेगी और धन का आवागमन भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि बजट बनाकर आपको अवश्य चलना होगा। कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हों, चाहे घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हों। कोई न कोई किसी भी तरह का पारिवारिक खर्च या आपका खुद का खर्च आपको परेशान कर सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलें, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें आप सितंबर के महीने में। चलिए मित्रों बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर नौकरी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, उनको काफ़ी बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। और प्राइवेट नौकरी करते हैं चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार कारोबार में अगर आपका व्यापार कारोबार किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जो कि आपका बिल्डिंग मटेरियल का है, कोई मशीनरी का कार्य है आपका, लोहे का कार्य करते हैं, माइंस का कार्य करते हैं, पेट्रोलियम का कार्य करते हैं, केमिकल का कार्य करते हैं, ज़मीन से नीचे पाई जाने वाली चीज़ों का कोई व्यापार कारोबार है, आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन कारोबार में अगर कोई विस्तार करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, नहीं तो वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार कारोबार और नौकरी से जो भी आपकी आय होती है नियमित स्रोतों से वो तो होती रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता भी सितंबर के महीने में आपके व्यापारिक क्षेत्र में बनी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है या विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है सितंबर के महीने में। पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन में आपको बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता रखनी होगी, घर के बुजुर्गों के साथ संबंधों में मधुरता रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए काफ़ी आवश्यक होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे सितंबर के महीने में। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या चल रही है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें। और पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या नहीं भी होती है तो वहाँ पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहता हूँ, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें स्वास्थ्य के मामले में। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में सितंबर का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे सितंबर के महीने में। और किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर बेहतर परिणाम ही मिलेंगे। और कोई व्यापार कारोबार नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी शिक्षा के मामले में आपको बेहतर ही परिणाम मिलने वाले हैं। शिक्षा के लिए बेहतर समय रहेगा और शिक्षा में आप अच्छा करते हुए नज़र आएंगे सितंबर के महीने में। बात करें वैवाहिक संबंधों की, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है जीवन साथी के साथ तो उसे आप समाप्त कर सकते हैं सितंबर के महीने में, आसानी से आपका वाद विवाद समाप्त हो जाएगा और वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें
कि सितंबर के महीने में वैवाहिक संबंधों में अगर कोई भी मतभेद हैं तो वो समाप्त किए जा सकते हैं, और वहाँ पर भी अगर हम देखें तो पूरा महीना बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। पूरे महीने में कभी भी आप प्रयास करें, आप अपने वैवाहिक संबंधों में कोई भी मतभेद हैं तो उन्हें समाप्त कर सकते हैं। छोटे मोटे वाद विवाद आपके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कोई ज़्यादा वाद विवाद हैं तो वहाँ पर आपको अपने साथी को मनाने की आवश्यकता होगी। सच्चाई के साथ अपने साथी को मनाएं। और विवाह से अलग कोई संबंध है तो वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, तो विवाह से अलग कोई संबंध नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी हैं तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर अगर इस बात को लेकर कोई वाद विवाद हुआ है कि आपके विवाह से अलग संबंध हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने साथी के साथ वैवाहिक संबंध सामान्य कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके रोमांटिक समय रहेगा, सितंबर के महीने में रोमांस ज़्यादा रहेगा, आप रोमांटिक समय गुजारेंगे जीवन साथी के साथ सितंबर के महीने में, और आप देखेंगे कि रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर बहस होती है, गलत फहमियाँ होती हैं तो वो ज़्यादा हो सकती हैं, वहाँ पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें, गलत फहमियों से बचें, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में सितंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रेमी प्रेमिका के साथ अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो आसानी से समाप्त नहीं हो पाएगा सितंबर के महीने में। और सितंबर के महीने में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय रोमांटिक गुजारेंगे। अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी, प्रेम संबंधों में एक मजबूती देखने को मिलेगी, और पुराने प्रेम संबंध हैं तो उनमें भी नयापन देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी मजबूती देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना होने दें प्रेम संबंधों में, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से कोई बातचीत आपकी चल रही है और आप उसे प्रस्ताव देना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो, अपने मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सितंबर के महीने में कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव देना होगा, तभी आपका साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। और किसी भी साथी को अपने जीवन में लाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर चलें, तो अपने साथी के बारे में जानें उसके बाद ही मित्रता का हाथ बढ़ाएं, तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं वी नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में। चलिए मित्रों, उपाय की बात करते हैं। वी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आप मंगलवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान कर दें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप बुधवार वाले दिन गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, उससे भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। या बुधवार वाले दिन ही आप पक्षियों को दाना पानी रखें तो उससे भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये तीनों उपाय कर सकते हैं, या फिर तीनों में से कोई दो उपाय आप करें, मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये वी नाम वाले लोगों का सितंबर महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।